नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से आ रही है। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री ने की हरियाणा नेहरू युवा केंद्र संगठन की राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि युवा क्लब युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के अनुसार कार्य करें। सरदार संदीप सिंह हरियाणा नेहरू युवा केंद्र संगठन की राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी भी उपस्थित थे। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बुधवार को हरियाणा नेहरू युवा केंद्र संगठन की राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिस राष्ट्र का युवा जब सशक्त होता है तो वह राष्ट्र हमेशा प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का विजन है कि प्रदेश के युवा को स्वावलंबी बनाना है, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा केंद्र गांव के युवाओं को सशक्त करने एवं उनके विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को संगठित करने, उनके समग्र व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास के लिए विभिन्न विभागों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश के सभी गांवों में युवा क्लबों के गठन की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवा आपसी तालमेल स्थापित कर गांव के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। खेल मंत्री ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जिला स्तर पर समारोह कर युवाओं के लिए मैराथन एवं साइकिलिंग जैसी गतिविधियां करवाई जाएं। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यू चैनल भी बनाए जाएं, जिसमें सभी जिले अपने अपने क्षेत्र में की जा रही जागरूकता गतिविधियों संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। जो जिला इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में स्काउट एंड गाइड के कैंप नियमित रूप से लगवाए जाएं, इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। इसके अलावा युवा क्लबों द्वारा रक्तदान के साथ साथ अंगदान के प्रति भी लोगों की प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले मास्टर ट्रेनर को भी समय समय पर आधुनिक जानकारियां देने के लिए प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। राज्य मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। यदि मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो तभी निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके लिए समय समय पर जिला एवं राज्य स्तर पर वेबिनार कर युवाओं को एकाग्रता बढ़ाने की विभिन्न विधाओं की जानकारी दी गई। राज्य मंत्री ने कहा कि 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग को ड्रग एडिक्शन से बचाना है, ऐसे में युवा केंद्र के माध्यम से स्कूलों एवं कॉलेजों में सेमिनार आयोजित कर विद्यालयों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट।